नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इग्नू यूनिवर्सिटी से निकले पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज से 50 प्रश्नों के पर डे प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ। ये सीरीज़ तो मैंने पहले ही शुरू कर दी थी लेकिन किसी रीज़न से मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई थी, लेकिन अब जब कन्फर्म हो गया है कि आपका एग्ज़ाम 24 फरवरी को है तो 24 फरवरी तक ये मॉक टेस्ट की सीरीज़ मैं कंटिन्यू रखूँगी। और आप में से ही कई ऐसे जन हैं जो बार बार मुझे ये मैसेज करके मुझे कह रहे थे कि ये सीरीज़ कंटिन्यू मुझे करना चाहिए, साथ ही इग्नू के जो सिलेबस है उसको भी मैं कंप्लीट करवा दूं। तो देखिए मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी। पर डे तो मैं आपको कंफर्म है कि पर डे मैं आपको प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्नों का मैं उपलब्ध करवाऊंगी, और मेरी कोशिश यही ये भी रहेगी कि मैं आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊँ। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज जो मैंने प्रश्न लिए हैं ना, वो ज़्यादातर इग्नू सिलेबस का जो मध्यकालीन कविता है, आधुनिक कविता है, और प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनमें से ये प्रश्न उठाए हैं। तो ये टॉपिक इग्नू क्या, नेट सेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, रेट एक्सेट्रा, जितने भी हिंदी विभाग से जो परीक्षाएं होती हैं उन सारी परीक्षाओं में आज का ये 50 प्रश्न का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हरी घास पर क्षण भर कविता किसकी है, ये आपने बताना है। तो मैं विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, विकल्प आप खुद से पढ़िएगा। मैं चाहती हूँ कि कम समय में आपके 50 प्रश्नों को कंप्लीट करवा दूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ, 20 से 25 मिनट में चाहती हूँ कि ये मॉक टेस्ट करवा दूँ। तो ये जो कविता है ये आगे की है, विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, हरी घास पर क्षण भर कविता की भाषा क्या है, तो ये तद्भव भाषा है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में डैश बैठे हैं। तो यहाँ पे जो डैश है इस डैश को आपने भरना है इन विकल्प को देख के, धुंधले में बैठे दुबके प्रेमी हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हरी घास किसका प्रतीक है, ये बताना है आपने किसका प्रतीक है, तो ये है सहजता, मुक्ति, मानव मन की दबी इच्छा, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, तीनों ही विकल्प होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हरी घास पर क्षण भर कविता में कवि ने किसका मूल्य आंका है, तो ये आंका है छड़ का, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलगी बाजरे की कविता में क्या है, कलगी बाजरे की कविता में क्या है, ये बताना है इन विकल्प को देख के, तो परंपरागत उपमानों से विद्रोह, नए उपमानों का प्रयोग, ये दोनों ही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कविता का स्वरूप क्या है, ये बताना है आपने, ये जो कविता है इस कविता का स्वरूप क्या है, हरी घास पर क्षण भर, तो इस कविता का जो स्वरूप है चिंतनशील है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कवि हरी घास पर किसे आने का निमंत्रण दे रहा है, ये बताना है आपने किसे आने का निमंत्रण दे रहा है, इन चार विकल्प में से देख के बताइए, तो ये दे रहा है शहरी जीवन से डूबे लोगों को, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कविता में शहरी मन की भाषा की कृत्रिमता की उपमा दी गई है किससे, तो ये दी गई है गाड़ी के इंजन से, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कविता में कैसे बिंबों का प्रयोग किया गया है, तो दृश्य और ध्वनि दोनों ही बिंबों का प्रयोग किया गया है, तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कलगी बाजरे की कैसी रचना है, कैसी रचना है, तो ये प्रयोगवादी रचना है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगी, आप चाहे जितना मर्जी पढ़ लें लेकिन अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं ना, तो आप इग्नू के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो उनके प्रैक्टिस सेट को लगाना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको लगाते रहिए मेरे ही चैनल पर, क्या आपको जहाँ मिलता है वहाँ लगाइए। वैसे मैंने भी 2000 की जो सीरीज़ है मॉक टेस्ट की, और साथ ही 5000 की जो सीरीज़ है, ये दोनों ही चलाई हुई है। 2000 की तो कंप्लीट करा दी, 5000 में से मैंने 2500 तक के प्रश्न करवा दिए हैं। तो देखा जाए तो मैंने अब तक 4500
प्रश्नों के ऊपर मॉक टेस्ट करवा दिया है। साथ ही मैंने 2004 से 2019 तक जो सीरीज चलाई है PYQ की, अगर आप इनको भी लगा लेते हैं ना, तो मैं कहती हूँ मेरे चैनल पे जो जितने भी मैंने अपने चैनल पे बस PYQ और प्रैक्टिस सेट ही करवाया है ज़्यादातर, तो अगर आप इनको भी लगा लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देती हूँ आप मॉक टेस्ट कह रही हूँ मैं, जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ना आपका इग्नू का, बहुत अच्छे से आप नंबर गेन कर पाएंगे। पहले तो सब्जेक्टिव होता था एग्ज़ाम, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव होगा। और ये मैं तभी कह रही हूँ क्योंकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ऐसा मेंशन किया गया है कि इस बार जो आपका इग्नू का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, तो MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे। तो मैंने अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा करवाए हुए हैं MCQ, PYQ और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं मैंने, कोई अन्य महत्वपूर्ण नहीं, सारे महत्वपूर्ण करवाए हुए हैं। अगर आप उनको भी लगा लेते हैं, देख लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आप स्कोर कर पाएंगे। तो फिलहाल इस प्रश्न का देखिए और बताइए उत्तर क्या होगा। कवि अपनी प्रेमिका की उपमा किससे दी है? कवि ने अपनी प्रेमिका की उपमा किससे दी है? तो किसी से नहीं दी गई। ये चार विकल्प जो दिए हैं इसमें से डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेम का पयोधि तो उमड़ता है सदा ही निस्सीम भू पर, यह पंक्ति किस छायावादी कवि की है? तो ये निराला की है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे का जीवन काल बताइए, आगे का जीवन काल, तो आगे का जीवन काल है 1911 से 1987, विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि पुराने उपमानों को क्या कहता है? क्या कहता है कवि पुराने उपमानों को? तो मैले कहता है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करते हैं। शब्द डैश है मगर क्या समर्पण कुछ नहीं, तो शब्द क्या है? तो शब्द जादू है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। मालंच शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है फूलों का बगीचा, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ एक स्थान से उच्चारित होने वाले समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये बताना है आपने, कौन सा अलंकार होता है वहाँ पे? श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उजली नगरी चतुर राजा की लेखिका बताइए कौन है? उजली नगरी चतुर राजा की लेखिका है मनु भंडारी, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। प्रेमाश्रम उपन्यास में कहाँ के किसानों की कथा वर्णित की गई है? ये उपन्यास है, प्रेमाश्रम उपन्यास में कहाँ के किसानों की कथा वर्णित की गई है? तो ये अवध के किसानों की, तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व साहित्य में जब कभी भारतीय कहानियों की बात होगी तो प्रेमचंद के साथ जनेंद्र को जरूर याद किया जाएगा, ये कथन किसका है? तो ये कथन है नामवर सिंह का, विकल्प डी आएगा, विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तपोभूमि उपन्यास ऋषभचरण जैन ने किसके सहयोग से लिखा? ये बताना है आपने, किसके सहयोग से लिखा है? तो ये जनेंद्र के सहयोग से लिखा है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्रालय से राजभाषा पर केंद्रित कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? कौन सी होती है? तो ये होती है राजभाषा भारती, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है? शब्द के संकोच का कथाकार किसे कहा जाता है? तो ये जनेंद्र को कहा जाता है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। जनेंद्र की रचना काम प्रेम और परिवार किस विधा की है? जनेंद्र की जो रचना है काम प्रेम और परिवार किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। डॉक्टर ओकारनाथ त्रिपाठी ने किस काव्य आंदोलन को शुरू किया? किस काव्य आंदोलन को शुरू किया? तो ये कैप्सूल कविता को शुरू किया, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रतिबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, यह किस कवि की घोषणा है? तो ये नागार्जुन की है, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है। हिंदी के बारे में यह कथन किसका है कि रस्मों रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया?
तो ये किसका कथन है हिंदी के बारे में ये किसका कथन है? तो ये मुंशी सदासुख का कथन है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अचरज देखे सुने विस्मय बाढ़त चित्त, पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है भिखारी दास की। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो, यह काव्य उक्ति किसकी है? तो ये काव्य उक्ति है सूरदास की। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो ये राहुल सकृत्यायन ने कहा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपने को कौटुंबिक कवि मात्र कहने वाला कवि कौन है? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, छपे छंद किस रासोकार का प्रिय छंद है? छपे छंद, तो ये है चंद्रबरदाई का। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ ने निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय प्रबंध प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य दर्पण का। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं कौन? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युगम असंगत है? असंगत आपने छाटना है, तो इसमें जो असंगत है वो है विकल्प डी परिंदे उपेंद्रनाथ अश्क की है? नहीं, ये निर्मल वर्मा की है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरबु नरक ठिकाना नाही किस कवि की रचना है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ बताना है आपने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है गणपति चंद्र गुप्त का। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद द्वारा रचित किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। विकल्प सी सही उत्तर होगा। एक बात और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस छायावादी कवि संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो ये किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संस्कृत माँ, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी है, किस विद्वान का कथन है? तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न लिया है मैंने। तो ये जो कथन है ये फादर कामिल बुल्क का है। विकल्प ए सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका कौन है? तो ये है कृष्णा सोबती। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त ने किस काव्य रचना पर लोकप्रियता सर्वाधिक पाई? किस काव्य रचना में लोकप्रियता सर्वाधिक पाई गुप्त जी ने? तो ये पाई भारत भारती काव्य रचना पर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गुप्त जी सामंतवादी कवि थे, किसने कहा? तो ये कहा शुक्ल जी ने। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है कोई एक है जो इस रचना के सन जो हैं वो सुमेलित नहीं हो रहे हैं। तो इसमें जो नहीं हो रहे हैं वो हैं झनकार। झनकार 1925 की नहीं है, ये 1929 की है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। साकेत के किस सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प सी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? ये बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। उत्तर भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कुंदन कुमार
को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारु गोराई, यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये है मतीराम की, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आह वेदना मिली विदाई किस नाटक के गीत की पंक्ति है? तो ये बताना है आपने किस नाटक की है, तो ये स्कंदगुप्त नाटक की है। और ये गीत किसका है? स्कंदगुप्त नाटक का तो है, लेकिन ये गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो ये है देवसेना के द्वारा। तो विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरि नाम, यह पंक्ति किस कवि की है? ये बताना है, ये पंक्ति है कुंबन दास की, विकल्प सी सही उत्तर होगा। तो ये थे 50 प्रश्न, और इसी तरह मैं 24 फरवरी तक 50-50 प्रश्नों के मॉक टेस्ट की सीरीज़ करवाऊंगी। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लेकर आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।